हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आई एम हियर विद वेरी यूजफुल वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उपधातु क्या है, मींस व्हाट इज मेटलॉइड्स, एंड आल्सो आई विल गिव द ट्रिक टू लर्न 7 टाइप्स ऑफ मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वन बाई वन करके देख लेते हैं। 7 मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल मींस आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं। तो 7 उपधातुएं मींस 7 मेटलॉइड्स याद करने का ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि उपधातुएं मींस मेटलॉइड्स होते क्या हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं देखते हैं। अ मेटलॉइड इज अ टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट। अ मेटलॉइड इज अ टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट व्हिच हैज प्रॉपर्टीज इन बिटवीन और दैट आर ए मिक्सचर ऑफ दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इसका मतलब ये है कि मेटलॉइड्स एक प्रकार का केमिकल एलिमेंट होता है। इज अ टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट, एक प्रकार का केमिकल एलिमेंट होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर की होती है, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं उसमें, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें मिलती है उपधातुओं में, मतलब मेटलॉइड्स में। यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, देख लीजिए। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें उपधातु या मेटलॉइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप बताऊंगा कि मेटलॉइड्स कौन कौन से मटेरियल्स हैं, तो इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो 7 मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, मतलब 7 उपधातुएं कौन कौन से हैं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, इसको याद करने का ट्रिक बनाया गया है। टेपो आज एसी बोगी है। टेपो आज एसी बोगी है, मतलब इसको याद करने का ट्रिक ऐसे याद करेंगे आप। टेपो मान लीजिए किसी रेलगाड़ी का नाम है, तो हम बोलेंगे टेपो आज एसी बोगी है, एसी एयर कंडीशन बोगी डिब्बे को बोलते हैं, रेलगाड़ी के डिब्बे को बोगी बोलते हैं। तो उस तरह से आप ये ट्रिक बनाया गया याद कर लेंगे आप। टेपो आज एसी बोगी है, मतलब कि ये टेपो नाम की रेलगाड़ी है, इसकी सारी बोगियाँ एसी की हैं, सारे डिब्बे एसी वाले हैं। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, टेपो आज एसी बोगी है। तो चलिए समझा रहा हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। तो पहला यहाँ पे आया है टे, तो टे से हो गया टेलुरियम, टेलुरियम हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है पो, तो पो से पोलोनियम, पोलोनियम इंग्लिश में भी पोलोनियम ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आ, तो आ से हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट उसके बाद ज, तो ज से हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट उसके बाद ए है, तो ए से एंटीमनी, एंटीमनी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सी, तो सी से सिलिकन, सिलिकन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है बो, तो बो से बोरॉन। बो के बाद जो ये वर्ड आ रहा है गी और है, ये दोनों वर्ड साइलेंट हैं, मतलब गी से लेके है तक ये दोनों वर्ड क्या हैं, साइलेंट। ओके, ये दोनों वर्ड साइलेंट हैं। ये हो गए 7 एलिमेंट्स, 7 मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं ऐसे यूजफुल वीडियो चलाते रहता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, माई यूजर नेम इज आरपी एजुकेयर।